मोदींचा महत्वाकांक्षी अहमदाबाद मुंबई बुलेट ट्रेन प्रकल्पाला गुजरातमधल्या शेतकऱ्यांनी विरोध केलेला आहे. अहमदाबाद उच्च न्यायालयामध्ये 1000 शेतकऱ्यांनी या भूसंपादनाला विरोध करणारी प्रतिज्ञापत्र सादर केलेली आहेत. मोदींचा ड्रीम प्रोजेक्ट आहे, महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट आहे अहमदाबाद मुंबई बुलेट ट्रेनचा, आणि या प्रकल्पाला आता गुजरातमधल्या शेतकऱ्यांनी विरोध केलेला आहे. अहमदाबाद उच्च न्यायालयामध्ये 1000 शेतकऱ्यांनी भूसंपादनाला विरोध करणारी प्रतिज्ञापत्र सादर केलेली आहे. आणि या संदर्भात बोलण्यासाठी सध्या आमचे प्रतिनिधी अमित राजपूत आपल्या बरोबर आहेत गुजरातमधून. अमित जी बताइए, क्या वहां पे जो फार्मर्स है उनका विरोध क्यों है? देखिए अनुपमा, जो ये मामला है ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो अहमदाबाद मुंबई बुलेट ट्रेन का है, और इस मामले में 8 जिले के 3800 से ज्यादा जो किसान है उनकी तरफ से गुजरात हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई है, एफिडेविट दायर किया गया है कि खास करके जो भूमि अधिग्रहण की जा रही है बुलेट ट्रेन के प्रोजेक्ट को लेके, उसमें भारत सरकार की जो गाइडलाइंस हैं उसका निजी तौर पे देखा जाए तो उसे माना नहीं जा रहा है, और विशेष तौर से जो जापान की जो सबसे बड़ी बैंक है, जापान इंटरनेशनल कोऑपरेटिव एजेंसी जिसे जीका कहा जाता है, तो जीका की जो शर्तें हैं उसका उसे भी ध्यान में न रख के किसानों का जो हित है उसे दांव पर लगा के इसमें कार्य जो भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया है वो की जा रही है. खास करके इस मामले में गुजरात हाईकोर्ट में ये मामला पिछले कितने दिनों से चल रहा है, और इस मामले में कल गुजरात हाईकोर्ट के अंदर 1000 से ज्यादा किसानों ने एफिडेविट किया है, और मांग की गई है कि आने वाली 26 जो सितंबर है उस 26 सितंबर को केंद्र सरकार और राज्य सरकार की तरफ से इस मामले में जवाब दायर किया जाए, और साथ ही साथ जो ये किसान हैं उनकी तरफ से जो भारत में जापान के राजदूत हैं उनका भी संपर्क किया गया है. आने वाले दिनों के अंदर ये जो किसान है वो सुप्रीम कोर्ट का भी सहारा भूमि अधिग्रहण को लेके कर सकते हैं. ऐसी बात किसानों की तरफ से जो उनके वकील हैं आनंद याग्निक के तौर याग्निक की तरफ से की गई है. अनुपमा शुक्रिया ये सभी जानकारी के लिए. अमित जी आमचे प्रतिनिधी गुजरातमधून आपल्या बरोबर होते. तर मोदींचा महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट असलेला अहमदाबाद मुंबई बुलेट ट्रेनला तिथल्या शेतकऱ्यांनी विरोध केलेला आहे, आणि अहमदाबाद उच्च न्यायालयामध्ये 1000 शेतकऱ्यांनी या भूसंपादनाला विरोध करणारं प्रतिज्ञापत्र सादर केलेलं आहे.